जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, वो भी जुड़े हुए हैं किससे, NCERT 2005 से। दोस्तों, NCERT का फुल नेम होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा कहा जाता है। दोस्तों, NCERT 2005 को दिसंबर 2005 में प्रकाशित किया गया था। तो चलिए दोस्तों, हम वन लाइनर के फॉर्म में इन 50 प्रश्न का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने NCERT 2005 तैयार किया। दोस्तों, प्रोफेसर एसपाल की अध्यक्षता में विद्वानों ने NCERT 2005 को तैयार किया था। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, NCERT 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आए हुए विचार था। तो दोस्तों, यह जो विचार था 1993 में आया हुआ था, और वह कौन सा विचार था, शिक्षा बिना बोझ के, जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है लर्निंग विदाउट बर्डन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, NCERT 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया। तो दोस्तों, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन, इन्हीं सुधारों को सुझाया गया था। आगे क्वेश्चन दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है। दोस्तों, विद्यालय शिक्षा का जो अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है वो है NCERT 2005। क्या है? NCERT 2005, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। दोस्तों, आगे देखते हैं हम कि इस मंत्रालय की पहल पर, माननीय कि कौन से मंत्रालय की पहल पर NCERT 2005 तैयार किया गया था। तो दोस्तों, वो मंत्रालय था मानव विकास संसाधन मंत्रालय। कौन सा था? मानव विकास संसाधन मंत्रालय, उसी की पहल पर NCERT 2005 को तैयार किया गया था। NCERT 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया है। दोस्तों, NCERT 2005 है, उसमें कौन कौन से शिक्षण सूत्रों का अधिकतम प्रयोग सुझावित किया गया है। तो दोस्तों, वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। क्या है दोस्तों? ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट है, NCERT 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। तो दोस्तों, NCERT 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में जो निहितार्थ है वो है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी कि ज्ञान को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। दोस्तों, बात करें कि NCERT जो पाठचर्या है, इसमें कक्षा एक से मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा की भी सिफारिश की गई है। ये दोस्तों पूछा भी जाता है, और यह वीडियो सीटेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, NCERT 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है। तो दोस्तों, NCERT 2005 का जो प्रमुख सूत्र है वो है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना भार के अधिगम, बिना भार के शिक्षा। NCERT 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है। तो दोस्तों, NCERT 2005 का जो प्रारंभ है वह रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति निबंध से होती है। NCERT 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है। तो दोस्तों, ये जो है वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे करते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं, NCERT 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, उसमें क्या बताया गया है। तो वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, इन्हीं के बारे में बताया गया है। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा के प्रबुद्ध एवं संपन्न वर्ग के भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी। दोस्तों, जो अंग्रेजी भाषा है यह प्रबुद्ध एवं संपन्न वर्ग के भाषा के रूप में भी स्थापित हो चुकी है। दोस्तों, करिकुलम किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों, करिकुलम जो होता है इसको हिंदी में पाठचर्या कहते हैं, और इसका हिंदी का अर्थ होता है दौड़ का मैदान, और जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो बनाया गया था वह 2005 में बनाया गया था। NCERT 2005 की कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई।
एनसीएफ 2005 की जो कार्यशाला है यह दोस्तों एनसीईआरटी नई दिल्ली में स्थापित आयोजित की गई थी। एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है तो शांति के लिए शिक्षा, इसी पर बल दिया गया है। एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति, सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो इसमें 38 सदस्य थे। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है तो मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे, तो दोस्तों एनसीएफ 2005 में कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, इसी के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है, तो दोस्तों पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। एनसीएफ 2005 का जो भाषा फार्मूला है वो है त्रिभाषाई फार्मूला। क्या है दोस्तों, त्रिभाषाई फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा एवं तृतीय भाषा है, यानी कि जो त्रिभाषा है वो कौन कौन से है, तो ये दोस्तों है क्रमशः प्रथम भाषा जो है वह हिंदी है, यानी कि राष्ट्रीय भाषा, राज्य की भाषा। द्वितीय भाषा अंग्रेजी है, जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाए। और तृतीय भाषा है स्थानीय भाषा, जैसे कि पंजाबी, संस्कृत, तमिल, मराठी, ये सभी तृतीय भाषा में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या माननीय से बचा जाए, तो दोस्तों ज्ञान। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को ज्ञान माननीय से बचा जाए। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है। क्या करती है, समाधान को पहचानने में सहायता करती है, क्योंकि जब बच्चा गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे। बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ है, तो दोस्तों इसका अर्थ है पाठचर्या के बोझ को कम करना। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है, यानी कि एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो दोस्तों ये है कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जोड़ना। एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे महत्वाकांक्षी का मतलब है कि गणित के उच्च उद्देश्य की प्राप्ति। एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब है, तो गणित की लंबी आकृति का मतलब है एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। एनसीएफ 2005 बल देती है, तो एनसीएफ 2005 बल देती है करके सीखने पर, किस पे बल देती है, करके सीखने पर बल देती है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है, तो दोस्तों एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है, तो बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है, तो एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है। एनसीएफ 2005 की 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो दोस्तों वो है आपके ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, पाठचर्या का इस तरह का समर्थन होगी वह बच्चों को चहुमुखी विकास मुहैया कराए, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा को गतिविधि से जोड़ना।
एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिससे प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। फिर से हम पांचों को देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों की प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होना चाहिए तो यह मातृभाषा होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो दोस्तों शिक्षक की भूमिका एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है दैनिक गतिविधियां। कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए? तो वह है दोस्तों प्राथमिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में किस अध्यापन की बात करना निरर्थक होगा? तो दोस्तों भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में सृजनशीलता की बात करना निरर्थक होगा, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है, यानी कि यही है शिक्षा बिना बोझ के। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए, तो दोस्तों होना चाहिए अमूर्त चिंतन का निर्माण करना, तार्किक ढंग से सोचना एवं संचालित करने की योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि एलसीएम 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा एक एवं कक्षा दो को विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का सही तरीका होना चाहिए, तो वो होना चाहिए प्रेक्षण के आधार पर, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड परिणाम था। तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम था ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना। नाटक विधि में रुचि लेते हैं, दोस्तों नाटक विधि में बच्चे जो होते हैं प्राथमिक स्तर के छात्र बहुत अधिक रुचि लेते हैं। यदि आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो कौन सी विधि को श्रेष्ठ मानेंगे? तो दोस्तों वो होगा आपका कहानी विधि। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ है पाठ को समझाने में सहायक होता है। यदि दोस्तों हम पढ़ाते समय चित्र भी दिखाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण पाठ जो लाभ होता है वह होता है पाठ को समझाने में सहायता करता है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है, तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। एनसीएम 2005 में सुझाव दिया गया जिसमें सूचना को क्या मानने से बचा जाए, तो सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। एनसीएम 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, तो कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 है, एलसीएम 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? तो एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। एलसीएम 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज के इस वीडियो का, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? तो वो है एलसीएम 2005। दोस्तों अंग्रेजी के बिना प्रबुद्ध संपन्न एवं उच्च शिक्षित नहीं बन सकता और उच्च सफलता प्राप्त करना भी मुश्किल होता है। एलसीएम 2005 को कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम की रूपरेखा में जोड़ा गया है। कक्षा 1 से 5 तक मातृभाषा यानी कि अंग्रेजी, गणित, एकीकृत पाठ, पर्यावरण, और दोस्तों एकीकृत जो पर्यावरण है एक कक्षा 3 से 5 तक आता है, कक्षा 1 से 2 तक पर्यावरण नहीं होता है, लेकिन आगे क्लास में जो 5 तक होता है उसमें कला एवं शिल्प, शारीरिक विकास, कार्य अनुभव ये सभी शामिल होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा और यह काफ़ी आपको सहायता देगा आपकी परीक्षा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।